दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपनी YouTube वीडियो के अंदर कोई म्यूजिक यूज कर लेते हैं। अब म्यूजिक जब हम यूज करते हैं तो ये दो कंडीशन में करते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई दे और विजुअल चलते रहे, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, या फिर वो वीडियो फेस कैम होता है यानी हमारी आवाज भी होती है और म्यूजिक को हम एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर लेते हैं। और उस वीडियो पर आपको अगर क्लेम देखने को मिल जाए, और मान लो वो क्लेम आपको एक साल दो साल बाद तीन साल बाद देखने को मिल जाए, वीडियो पर काफी सारे व्यूज भी आ जाए, क्लेम आने के बाद वो जो वीडियो है वो आपका डिमोनेटाइज हो जाएगा, यानी जो पैसा है वो चला जाएगा म्यूजिक ओनर को। अब यहाँ पे वैसे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपकी वॉइस ओवर भी रिमूव हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्यूटोरियल के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने यूज किया जिसपे क्लेम आया उसको रिमूव करेंगे, और जो आपका वॉइस ओवर है वो वैसा का वैसा रहेगा, वो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है उसके बाद। ना आपका व्यूज कम होगा, ना वॉइस ओवर में कोई दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका क्लेम भी हट जाएगा और आपका जो वीडियो है वो वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। तो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैग। दोस्तों अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे एक मित्र है मिस्टर इरफान जी, जिनका चैनल है आई टैग, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। उनके पास हुआ क्या कि 6-7-8 कम से कम कॉर्पोरेट क्लेम आ गए, क्योंकि उन्होंने 3-4 साल पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें किनेमास्टर जो एप्लीकेशन होती है क्रैक वर्जन यूज कर रहे थे वो, और उसका म्यूजिक यूज कर लिया था। अब उसमें वॉइस ओवर भी था, तो भाई वो बहुत परेशान हो गए कि इतनी सारी वीडियो जब बहुत ज्यादा चल चुकी है, इन पर काफी अच्छा व्यूज भी आ रहा है, तो फिर अब कॉर्पोरेट क्लेम आ गया तो दिक्कत तो हो ही जाएगी, क्योंकि पैसा चला जाएगा ओनर के पास। तो एक ऐसा तरीका उन्होंने निकाला है जिससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बैक वाला वो रिमूव हो जाएगा, वीडियो अपलोड है उसके बाद भी ना व्यूज कम होंगे ना लाइक कम होंगे, कुछ भी कम नहीं होगा, और आपका जो वॉइस ओवर है उसको भी कुछ नहीं होगा, वॉइस ओवर एज इट इज रहेगा, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ओनली म्यूजिक वही रिमूव होगा, और आपका जो क्लेम है वो भी रिमूव हो जाएगा, और आपका जो वीडियो वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। तो अगली जो आवाज है आप उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं को देखेंगे, उन्होंने ही मुझे ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके भेजा है। ओके, तो मेरे चैनल पर टोटल 7 म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम आए थे, जिनमें से अभी आप यहां पर 5 देख रहे हैं, क्योंकि 2 का नोटिफिकेशन यहां से मैंने डिसमिस कर दिया है, तो अभी आप यहां पर 5 देख रहे हैं, और इन 5 में से 4 के म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम को मैंने हटा दिया है, ठीक है, और एक अभी मैंने बाकी रहने दिया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कैसे म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम को बैकग्राउंड से हटाना है। तो इसके लिए सिंपल है, हम जाएंगे यहाँ पर रिसेंट कॉपीराइट क्लेम में, आप देख सकते हैं ये कल ही आया है, तो सिंपल है हम जाएंगे व्यू ऑप्शंस में, यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं ये मोनेटाइज नहीं है, और किन किन कंट्रियों में मोनेटाइज नहीं है वो भी अगर आपको देखना है तो सिंपल है आप वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में मोनेटाइज नहीं है, मतलब कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख सकते हैं, 0:17 से लेकर 2:34, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे वीडियो में मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था, तो सिंपल है पूरे वीडियो में यहाँ पर आया। तो अब बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे हटाएं, हमारी आवाज़ को हटाना नहीं है, ठीक है, वीडियो में हमने जो भी बोला है वो नहीं हटना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल है आप 3 डॉट पर क्लिक करें, यानी कि एक्शंस पे जाएं, यहाँ पर जाने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है म्यूट सॉन्ग, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको जाना है म्यूट सॉन्ग ओनली बीटा में, ये ऊपर वाले ऑप्शन में नहीं जाना है, आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूट सॉन्ग ओनली बीटा, इस पर क्लिक करें और कंटिन्यू कर दें। देखिए इसमें होगा ये कि आपने जो भी कुछ वीडियो में बोला है और बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक चल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक को ही निकालेगा, आपकी आवाज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, और सिंपल है म्यूजिक निकल जाएगा तो फिर कॉपीराइट क्लेम भी जो है वो भी चला जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको म्यूट पर क्लिक करना है, म्यूट पर क्लिक करने के बाद ये लेगा थोड़ा प्रोसेस, अब डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना लंबा है और म्यूजिक आपने कई कई जगह पर कौन सी जगह पर यूज किया है, डिपेंड करता है आपकी वीडियो लेंथ के ऊपर, ये 24 आवर्स या फिर 12 घंटे 10 घंटे कभी भी कंप्लीट कर देगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्लेम यहाँ से हट जाएगा और फिर आपका वीडियो वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वाला जो फीचर है YouTube का बिल्कुल नया है, बीटा वर्जन में है, आपको भी बहुत पसंद आया होगा, और इसकी सच में बहुत ज्यादा नीड थी, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूजिक को एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक ही यूज करते हैं और बाद में उन पर क्लेम आ जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।